जय हिंद दोस्तों, ये गुजरवाल है, गरेवाल डेयरी, जसविंदर पाल सिंह जस्सी हैं जो इसका संचालन करते हैं। ये खड़े हुए मेरे सामने, करोड़पति हैं लेकिन मास्क नहीं लगाते हैं, कहते पैसे नहीं हैं। यार क्या बात करते हो, कम से कम मास्क तो लगाओ ना। नहीं, मास्क ये दो काम देता है, ये किसी की लिहाज नहीं करता है। कोरोना काम देता है। ये जो गाय है दोनों जी, तो कौन सी ब्यांत की है? दूसरे बेहतर है। दूसरे बेहतर कितना दूध देने वाली है? ये दोनों दे देगी 40-42 लीटर। दोनों एक ही जैसी? एक जैसी जोड़े में है। दूसरे कितने में लाए हो? ये तो सारी इकट्ठी लिया जी, एक एक का दाम तो पता नहीं। अगर अकेले के लिए क्या कहोगे? ये तो 60 के नीचे ही है जी, दोनों 60 के नीचे। सारी गाय 60 के नीचे। 50 की मान के चले? 58। अच्छा दोनों 1,10,000 की, 15,000 की। हाँ जी, कितने की? कोई 1,10,000 का जोटा है, कोई 1,15,000 का। इस जोड़े को 1,10,000 का माने? इसके 1,10 मान लो, या 1 का माने? ना 1,10 का माने। कितना कितना दूध देंगी ये? ये वे दे देगी दोनों 22-22 भी दे सकती है। मैं उनको 20-20 ही बोला। 20-20 बोला जी, ये गारंटी है? बोलेंगे वही जो देगी, ज्यादा देगी कम नहीं देगी। वहाँ से कमेंट आते हैं दूध देती नहीं है इतना, ये हमारा कमेंट आया कभी बताओ? नहीं है, बस फिर यही बात है। ये कमेंट आया हनी गिल का आपके नाम जी, बठिंडा से है, गोविंदपुरा से जी। वो कहते हैं कि जस्सी भाई ये गाय जो है हमारे यहाँ से ले गए थे जी, लाए होंगे आप वहाँ से 1,50,000 की। तो आपने वीडियो बनाई, तारीफ कर रहे हैं आपकी, बड़ी गाय की 1,50,000 की गाय ली थी। अच्छा अच्छा वही है वो आदमी, 40 लीटर वाली? हाँ जी हाँ, 40 लीटर ना, 60 लीटर वाली जी। तो हनीगिल जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हमारे तरफ से भी धन्यवाद उनका जो हमको याद कर रहे हैं। एक हम आपको बात बताएं जी, कभी भी किसी दूसरे का सहारा लेकर के प्रसिद्ध होने की कोशिश मत करो। नहीं 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 नहीं, तुम्हारा अपना नाम इतना है कि लोगों तुम्हारा नाम लेके प्रसिद्ध होने की जरूरत पड़ेगी। देखो बात है, कई आदमी मेरे को फोन करते हैं, हमको उसने लूट लिया, उसने लूट लिया, उसने लूट। कोई नहीं लूटता, जो कस्टमर है खुद अपने आप लूटा जाता है। जब कोई भी आदमी दो बेड़ियों में सवार होता है डूब जाता है। आपको बोलते हैं अशोक जी ने ऐसे कर दिया, गाड़ी वाले को पकड़ लेते हैं, भैया को पकड़ लेते हैं। इनका कोई दोष नहीं है, ना गाड़ी वाले का, ना अशोक जी का, ना भैया का। किसी को बुरा भला मत बोलो। जब आपने कोई ऑनलाइन बुकिंग करवानी है पहले आप सोचो समझो फिर बुकिंग करवाओ। आप इनसे क्या लेते हो? आप तो प्रचार करते हो। अगर यूट्यूब ना होती तो कहीं गाय जाती? कहीं भी नहीं जानी। किसान हैं, गरीब हैं, चलो बात सही है, हम भी सब एक जैसे किसान हैं, इधर हो चाहे उधर हो चाहे किसी स्टेट के हो। लेकिन बात यह है, किसान की मेहनत खून पसीने की है। दर्द होता है जब कोई हमारा पंजाब का कोई भी सप्लायर उसके साथ धोखाधड़ी करता है, लेकिन करनी नहीं चाहिए। किसी के साथ ना करो। अगर आपके पास टाइम नहीं है, अगले को बोल दो भी 15 दिन रुक जाओ, फिर गाय भेजेंगे। अगर जल्दी है किसी और से ले लो, अगर और किसी के पास चले जाएगा तो अच्छी बात है, उसको लूटो मत। अच्छा, तो ये गाय जो आप दिखा रहे हो जी, तो वहाँ के वातावरण में चलेगी? जी जी जी, वहाँ तो अभी 24 डिग्री टेम्परेचर आई है। दोगली कही जाएगी? नहीं नहीं, जर्सी क्रॉस है। जर्सी क्रॉस, जर्सी क्रॉस। कितना दूध देने वाली है ये? दूध 20 के आसपास दे देगी। 20 के आसपास दे देगी। 18 गाय लिया जी हमने। अच्छा, टोटल? हाँ, सारी गाय 45,000 से लेके 60,000 के अंदर अंदर। दूध? दूध सारी कोई 20, कोई 22, कोई 19, कोई 18। 18 से नीचे वाली कोई नहीं है। तो ये कौन सी ब्यांत की है? ये दूसरे है जी। दूसरे ब्यांत? हाँ जी। तो कितना समय मांग रही है ये? 1 हफ्ता ले जाएगी। तो कैसी ली? सारी कच्ची है गाय, किसी के 15 दिन बाकी है, किसी के 20 दिन बाकी है, किसी के 14 दिन बाकी हैं। जो वहाँ जाके 10-12 दिन खा के उसके बाद बच्चा दे, 3-4 गाय बच्चा दे देगी जल्द। गरेवाल जी जी, तो ये जो गाय दोनों दिखा रहे हो ये कौन सा मेल तो है नहीं इनका आपसे? ये लगला गाय जी, ये हाँ। शाहीवाल, ये 80% शाहीवाल है। 80 से ज़्यादा होगी? 80 तो लगती नहीं है। गला इधर करीमो, झालर देखो कितनी है। 60-40? नहीं नहीं, 60 तो नहीं है जी, 80% है ये। और वो एक एक वजह थोड़ी है इसकी, थोड़ी टूट कट है बस। अच्छा, दूसरी? वो तो HF है जी। वो 19 के साथ है। तो ये कितना दूध देने वाली है? ये दे देगी 15-16 किलो जी। 15-16 किलो? हाँ जी। तो ये गांव से लिया था आपने? अगर तुम अकेले खरीदने जाओ जी, तो लाट में लिए ठीक है जी, तो कितने में? नहीं, लाट में नहीं कोई ली, सब अलग अलग ली है। तो कितने में मिल जाएगी मंडी से ये? 40-45 की मिल जाती है। अच्छा हाँ जी। और वो जो ब्लैक वाली है? ये तो 3 कट्ठी लिया जी। अच्छा, उसका कितना दूध है? वो 20 दिन बाकी है जी उसके। अच्छा, उसने पहले बेहतर दिया 20 किलो दूध। अच्छा हाँ जी।
दूध तो सारी गाय 20 के आसपास है, एक बछड़ी उन्होंने स्पेशल मंगवाई है। ये कौन सी ब्याज की है? ये दूसरे है, सारी दूसरे है जी, तीन चार पहले और दूसरे है, उन्होंने ये तो स्पेशल मंगवाई है। ब्लैक वाली उसकी क्या कीमत कहेंगे? उसकी कच्ची की कीमत तो भी है 45,000, अगर तैयार हो जाएगी तो 55,000। 20 किलो दूध वाली राम से राम से राम। तो लोग पूछते हैं भाई 20 किलो दूध वाली दूसरे ब्याज की कितने में मिल जाएगी, तो उनके लिए है कि भाई ये 45 की मिलती है। हाँ 20 दिन की कच्ची है। ये सुनो, ये कुछ मित्र हैं तमाम, तो ये अमीर उमर हैं जी, माशाल्लाह बोलते हैं आपके काम को जी। चमकौर सिंह हैं जी, ये भी गुड कॉल कहते हैं, प्राइस भी बहुत बढ़िया है। गुरकरण संधू हैं, कहता वन ऑफ दी बेस्ट एवर सीन, ग्रेट जॉब। तो ये आपके लिए शुभकामनाएं, धन्यवाद जी इनका बहुत बहुत। तो हमारे कार्यक्रम में इनका भी स्वागत है और आपका भी, धन्यवाद इनका बहुत बहुत। ये दो मित्र हैं, किशोर आरडी हैं और अमित पांडे करके हैं, ये रामा लिखते हैं। तो ये कहते हैं कि आपके यहाँ का वीडियो इनको बड़ी अच्छी लगी है। ठीक है जी। तो कहते बहुत अच्छा इंटरव्यू लेते हो, ये बहुत बड़े हमारे फैन नहीं कहते पंखा हो गए हम। और अमित जी कहते हैं कि सर प्रणाम, यू आर द बेस्ट इंटरव्यू, यू आर बेस्ट इन इंटरव्यू, आपका मोबाइल नंबर प्लीज। आई एम अयोध्या से हैं, अच्छा। अमित पांडे, धन्यवाद रामा जी, धन्यवाद। और ये भी बताते हैं कि आपका काम बढ़िया है। बहुत बहुत धन्यवाद इनका, जो हमको याद तो करते हैं। अच्छा, तो ये जो गाय के लिए बताओ जी, ये गाय क्या कहती है, ये कौन सी ब्याज की है, जो पहले वाली ए दो, ए दूसरे है जी, दूसरे ब्याज की है। कितने दांत है? वो भी दूसरे बेहतर है। उस दांत दांत छः होगी, देखा नहीं दांत। यार एक बात बताओ जी, अगर चाहिए चौथे में भी हो तुम दूसरे में कह दो तो हमको क्या प्रूफ है? प्रूफ तो जी अभी आप वीडियो बनाते हो। ये तो गाय है, ये सेहतमंद होगी तो लगेगी, चौथे वाली दूसरे में लगेगी, बुढ़ी है तो दूसरे वाली पाँच। बॉडी स्ट्रक्चर नहीं बताता हमको, इनमें पले ज्ञान है, इनमें छोटे छोटे थे अभी इतने बड़े हो गए, इनमें खेड़ते रह गए। तो ये कितना दूध देगी ये? इसने पहले बेहतर दूध दिया जी 22 किलो। 22 क्वालिटी देखो इसकी कैसी है, तो है नहीं अभी, तो 20 रोज बाकी है जी। अच्छा, और इसके 20 रोज बाकी है, उसके 15 रोज बाकी। वो कितना दूध देने वाली है? उसने पहले बेहतर दिया 17 लीटर दूध, और इस बार? इस बार 20 दे देगी, आ जाएगी आराम से। अच्छा, बात यह है जी 20 लीटर हम तो बोल देते हैं, कई आदमी वहाँ कमेंट करते हैं, ओ यार वहाँ से गाय ले ली उसने 12 लीटर दिया। बात यह है जो पंजाब से गाय जाती है, किसी सप्लायर से भी जाती है, अगर इधर 28 लीटर है तो वहाँ जाके 2-3 लीटर ज़्यादा की बजाय कम ही देती है। ये 22-23 लीटर देने वाली है, मैं 20 लीटर बोल रहा हूँ। अच्छा, एक बात हम और बड़ा हैरान होते हैं सुनकर जी, अनपढ़ लोगों की तरह कमेंट करते हैं, जैसे दुनिया देखी नहीं है जी, वो हम कहते हैं आप कहते हैं 50 लीटर दूध देती है, 45 कहते हैं इतना देगी। बात है जी, वो कहते हैं यहाँ 70 लीटर निकाल गई है, निकाल के आकर के देख लो, अगर नहीं दुनिया देखी है तो क्यों बोलते हो? नहीं सीखो, देखो कुछ। बात है जी, वो आदमी जो बोलते हैं उनका भी धन्यवाद, उनको बोलना चाहिए। अगर कोई भी आदमी कोई भी धंधा करता है ना, अगर उसकी बुराई ना हो तो धंधा जमता फूलता नहीं। अच्छा, दोनों फार्म की है या किसान से? नहीं, सारा माल ही किसान से है जी। तो इनको कोई वो भी नहीं होगी बैकग्राउंड भी, कितने इसकी माँ का है? नहीं नहीं नहीं, है बैकग्राउंड हमको तो सब पता है। अच्छा, पूछ लेते हैं केली केली का, पूछ के लिए गांव गांव से गाय लेते हैं। इनकी माँ का मतलब कितना रहा होगा? इसकी माँ उनके पास है अभी। अच्छा, कितना देती है वो? 26-27 लीटर दूध है। दोनों एक ही की है? नहीं, ए और कहीं से लिया और कहीं से लिया। गाय कहाँ मिलती है जी? गाय का धंधा यूट्यूब, मेरी बात उनको सब लोग जानते हैं इलाके में जी। तो पैसे नगद दे के आते हो? पैसे की कोई जरूरत नहीं, पैसा तो अगर कोई 500 गाय भी ले तो भी पैसे की जरूरत नहीं, अपनी और किसी की बात नहीं करता। वो बढ़िया जी, जोड़ी भी बढ़िया मिली हुई। बात है जी, सुंदर जैसे जुड़ुआ एक ही माँ की है, देख नहीं अलग अलग है, ये सुंदर गाय की बजाय है। नहीं देखो, जैसे उसकी पीठ पे उसके है, बिल्कुल सेम एक ही जैसा है। नहीं अलग अलग। कौन सी ब्याज की है ये? दूसरे या सारी जी? एक बछड़ी ये पहले बेहतर की है। अच्छा, हाँ ये दूसरे की है। उसके कितने दांत है? वो है 4 दांत जी। दिखाओ तो। दिखा रहे दांत? तुम लोग 6 को भी 4 कहके बेच देते हो? नहीं नहीं, अब पता काम ही नहीं करते जी। अच्छा, काम करें करना बंद कर देंगे, लेकिन गलत नहीं करेंगे कभी भी। जैसी भाई जी, वो दांत दिखा रहे हो 4 जी, पहली ब्याज की है। पहले कितना दूध देगी ये? देगी जी 22 लीटर दूध। 22 लीटर इधर 25 निकाल देगी, उधर 22 देगी। अच्छा, हाँ जी, लेकिन उनकी देख रेख तो हम है। कितनी उम्र है इसकी? होगी जी अभी 25 महीने की। कौन से टीके की है? टीका नहीं पता, नहीं पता। नहीं, अपा झूठ नहीं बोलते। हमारे पता है सप्लायर क्या करते हैं, इसकी माँ के ए लग गया, इसके ब्रूट लग गया, इसके ए लग गया। हम कहाँ गए थे वहाँ लगवाने? कोई जाता है? झूठ बोलना है जितना मर्जी बोली जाओ,
हमें धंधा नहीं करते। हमने एक से पूछा भी था सवाल में, मैंने कहा तुमने ऐसा नहीं कि नाम लिस्ट बना रखी है, नहीं नहीं हम पूछ जाते फटाफट। देखो मैं गाय लेके आठा रहा एक एक आदि का पता है कहाँ से क्या है। मैं ऐसे बोल दूं इसकी माँ का 20 लीटर था, इसके मेगा लग गया, इसके फलाना लग गया, सब झूठ वाली बात है। ये कौन सी ब्याज के दूसरे जी? यार तुम ऐसा है जी, जब तुम बोलते हो ना जी रुखा रुखा, नहीं रुखा रुखा तुम्हारे आने का मन नहीं करता। नहीं रुखा बात है, आ जाते हैं ना फिर जो तुम आव भगत करते हो फिर जाने का मन नहीं करता। नहीं बात है, झूठ क्यों बोलना पैसे के चक्कर में, किसी को लूटना थोड़ा, गरीब किसान देखो धूप कितनी है। अच्छा तो कैसे धंधा करते हैं लोग किसान? छोड़ो बाबू ये जो है कितना दूध देने वाली है? ये दूसरे बेहतर है जी। हाँ। और ये देखो पूरे दांत है? नहीं दांत पूरे है। हाँ। अच्छे किसान से गाय ली है 1780। हाँ अच्छे किसान से गाय ली है। तो क्या दाम की है ये? दाम तो कमाई ये भी दो गाय ली है। कितने? एक उससे एक उसे ब्रदर के। कितने कितने की? ये लिया 1,08,000 का जोटा दोनों। हाँ जी। अच्छा हाँ। दूसरी गाय बढ़िया गाय है दूसरी। हाँ। इसके 20 रोज बाकी हैं जी। ये कितना दूध देगी फिर? ये 20 प्लस वाली है जी। गाय कोई भी 20 से काम वाली नहीं है, एक शाहीवाल काम वाली है। अच्छा। लेकिन मैं फिर भी उनको 20 लीटर ही बोलता हूँ। तो वहाँ जाके अगर नहीं देगा? नहीं देगी क्यों नहीं, कमाल की बात है। जो चीचड़ लगे हुए ये लगा के चीचड़ दिखाओ, कहाँ लगे दिखाओ? वो देखो लगे हुए नहीं, वो तो तूड़ी लगी है। अच्छा। चीचड़ तो जब घर पे गाय आती है कोई भी। हाँ। किसी की भी हो। हाँ। सबको पहले दवा लगाते हैं। हाँ। दो दिन के बाद फिर खत्म। क्या है चीचड़ों से क्या परेशानी हो जाती है? इस दिन में तो लहू पेशाब ज्यादा लगता है। अच्छा। हाँ। क्या होता है उससे? थलेरिया हो जाता है, 2-4 दिन बुखार के बाद लहू पेशाब, उसके बाद गाय मर जाती है। मर जाती है। ज्यादा ध्यान तो चीचड़ का रखना चाहिए घर में बस। ये विजय सिंह है जी, कहाँ के हैं? ये नहीं लिख रहे हैं कहाँ से जी। तो ये कहते हैं कि मुझे फीड के बारे में जानकारी। क्या पूछना? कैसे इनको कैसी फीड देंगे, कितना दूध देने वाली है? देखो फीड तो ये कितना दूध देने वाली है? ये दूध देगी जी 23-24 लीटर। और वो पहले वाली? वो पहले बेहतर है। ये कितने कौन सी ब्याज की है? ये दूसरे जी। अच्छा तो ये दूसरे, वो कितना दूध? ये तो मेरे दोस्त से आई है। अच्छा वो कितना दूध देगी? वो वाली? हाँ वो दे देगी 20, नेट 20 दे देगी। नेट 20 ज्यादा दे सकती है, कम नहीं, क्वालिटी बहुत अच्छी है। ये तो मेरे दोस्त से। क्या फीड इनको दोगे? कितने कितनी फीड देनी है? फीड तो बात बता, क्या मैं बताता हूँ ये विजय सिंह को बता दूं? विजय सिंह जी बात यह है, अभी जो आपने फीड डालनी है ना उधर बनवा तो सकते नहीं जी। तो मैं ये बताओ कि फीड में क्या क्या चीज जरूरी होती है, कौन सा तत्व? तारामीरा जरूरी है एक तो जी, सरसों जरूरी है, चना जरूरी है, गेहूँ थोड़ा जरूरी है, कम चाहिए, मक्का जरूर चाहिए, और फिर वो सीरा वगैरह कितना डालना है ये अपने हिसाब से डालें, कितनी प्रेग्नेंट है, कितनी दूध दे रही है, कितनी क्या कर रही है। मिनरल मिक्सचर की कोई ज़रूरत नहीं, वो अलग से डालो। बढ़िया, ठीक है जी। बाकी बात है जो मिनरल मिक्सचर है ना, कई आदमी शौक से गाय रखते हैं, अलग से डालते हैं, चाहिए भी अलग से डालना। वो तुम बता रहे थे ना कि वो दोस्त से आई है। हाँ ये दोस्त से आई है। दोस्त का मतलब जानते क्या होता है? जी जी, दो सत्य जी, वो भी सच तुम भी सच जी, जब मिल गए ना। तीसरा वो जो जा रही है जिसको, वो भी सच, वो भी सच है। हाँ जी। तो दोस्त का मतलब ये होता है, और दोस्त के बीच में फिर झूठ की गुंजाइश नहीं। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल सही बात। मेरे जी जी, तो गाय की बात हम करेंगे लेकिन पहले छत्तीसगढ़ से हैं रोशन रजाक जी। तो कहते हैं कि पूछते हैं कि भाड़ा कितना लगेगा गाड़ी का? छत्तीसगढ़ ये नहीं पता जी कौन सी जगह। तो छत्तीसगढ़ का तुम अंदाजे से बता दो कितना लगता है? 1,00,000 के आसपास लगेगा। रायगढ़ में गाय गई है अपने अभी, अभी तकरीबन आप तो 1 महीने से पहले सेवा पे गए हुए थे, मैं भी 10-12 गाड़ी 15 लोड की है उस टाइम गाय गई है। ये आदमी छत्तीसगढ़ का जो गाय लेके वो बोल रहा था तो कि शोक जी से वीडियो बनवानी है, लेकिन आप है नहीं थे वहाँ, फिर मैं बनवाई नहीं जी। और रायगढ़ में गई है गाय अपनी। तो रोशन जी के लिए धन्यवाद। हाँ रोशन जी के लिए धन्यवाद। और कभी भी गाय लेनी हो ऐसे नहीं है आज फोन करो कल गाय मिल जाएगी, पहले 5-7 दिन पहले फोन करना फिर गाय भेज देंगे, गाय की कोई दिक्कत नहीं। पैसे बाद में? पहले पैसे बाद में, पहले गाय खूंटे पे आ जाएगी, बात ही नहीं कोई जी। अच्छा, अभी पैसा किसी गाय का नहीं आया, आना है गाड़ी लोड होने से पहले पैसे, पहले पैसे। लेकिन देखो गलत काम नहीं करना, बाकी में गाय ना लेनी है ना देनी है, ये अपना असूल है भैये के गाड़ी के, मेरे सब पैसे जहाँ लेने हैं उसके बाद लोड करनी है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो हम जवाबदार। यार तुम जब तुम्हारे नाक पे कपड़ा नहीं टिकता तो तुम्हारी बात कैसे टिकेगी यार? ओए मैं मास्क नहीं पहनता जी। पहनना पड़ेगा? नहीं कुछ नहीं होता। अच्छा तो ये चैलेंज करते हैं सरकार को? नहीं सरकार को तो नहीं। हाँ, भगवान की दया है कोई बात नहीं। तो ये दोनों जो गाय हैं जी, ये पहले बहुत सुंदर है, ये पहले बेहतर है, ये पहले दोनों पहले पहले आ गया। कितने दांत हैं? ये दांत है जी 4। दिखाओ, दिखा दांत दोनों, दिखाओ। ए ए वो जो है
तो खीरी बता रहे दो दांत है? नहीं नहीं, ये दो दांत बराबर नहीं ना हो। अच्छा, अभी तो जब बराबर नहीं होते खीरी बताएंगे। तब तो खीरी जब चार दांत होगी हम वो, दो दांत वो कितने हैं? वो चार है जी। दोनों पहले दांत की हैं? वो तो उसके टाइम में बाकी, अभी 15 रोज हाँ। इसके 25 रोज बाकी। ये पहली दांत की है? ये भी पहले होगी। पहले वो इतनी बड़ी होके भी पहले? देख लो कितनी उम्र होगी उसकी। इसकी उम्र है 19 महीना। खीरी जो है कितना दूध देगी? 20 के आसपास। 20 के देगी। अगर चाहे बर्थ बद भी दे वो उनकी किस्मत। मैं 20 ही बोलना। अकेले की कीमत कितनी होगी? ये जब बछड़ी तैयार हो जाएगी तो 75,000 की है। अब कितने की है? ये मैं लेके आया 55,000 की। 55,000। अच्छा, वो जो चार दांत, ये तीन गए इकट्ठी लिया। तीन गए हाँ। तो वैसे अकेले की क्या कीमत कहते हैं उसकी? अब मार लोगों की या मैं आपको नहीं बताऊँ? हाँ, मेरे हिसाब से तो ये 55 की है। अच्छा, और लोगों का मैं कह नहीं सकता। उसका दूध कितना होगा? 20+। 20+ जी। कौन सी ब्यांत की है? दूसरे है जी। दोनों दूसरे की? दूसरे। कितना कितना दूध देंगे? ये 20+ वाली सारी। जोड़ा कितने का जाना चाहिए? जोड़ा नहीं, अलग अलग लिया जी। अगर जोड़ा कोई खरीदेगा तो? ये जोड़ा मैं तो लेके दूंगा जी 1-10 का। 1-10 का? हाँ जी। 20-20 दे दे वाली। 20 से+ है। तो कितना समय मांग रही है ब्याने में? 15-15 रोज। 15 रोज। उसके 12 रोज बाकी है, इसके 17 रोज बाकी। कितने कितने दांत हैं इनके? ये पूरी है। पूरी दांत। अच्छा, एक ना ये मोहिबुल्ला है जी, पाकिस्तान से हैं जी, कहते हैं भाईजान हमारे यहाँ, ये कैसे पहुँच सकती है? पाकिस्तान तो गए नहीं जा सकती जी। नहीं जा सकती तो? अभी तो जम्मू नहीं जा सकती। दीवारें खींच दी? दीवारें दिलों पे भी खींच दी, जमीन पे भी खींच दी? नहीं, दिलों पे तो नहीं खींचनी चाहिए, जमीन पे तो पहले खींची हुई है। नेताओं ने खींच दी जी, हैवानों ने खींच दी। सही बात है। तो ये गोविंद मिश्रा हैं जी, ये कहते हैं बहुत अच्छी गाय हैं, अपनी तारीफ करते हैं। और उसके साथ में जटन जट हैं जी। देखो बात है, सारे भाइयों का धन्यवाद, लेकिन ये जो द्वारों वाली बात है ना, द्वार कुछ भी हो चाहे, यहाँ से आदमी कनाडा अमेरिका चले जाता है, लेकिन जो जहाँ प्यार है तो प्यार ही रहेगा, चाहे कहीं भी आदमी बैठा हो। ये जो पाकिस्तान में हमको याद कर रहे हैं, इनका फिर से धन्यवाद करते हैं हम। जय हिंद। पहले तुम्हारे चाहने वालों की बात कर जी। ये वसीम मोहम्मद हैं जी, केरला से। केरला हाँ। जस्सी भाई जिंदाबाद जी। पहले गाए गए ये भी? ये आदमी ने आपको बहुत याद किया, पता नहीं ये थे, मैं नाम तो नहीं जानता। तो एक गुरप्रीत चीची हैं जी, ये हमें भी याद है। कुछ लोग ऐसे हैं जो नेगेटिव कमेंट करते हैं जी, तो ये भी नेगेटिव कमेंट करने के लिए बहुत मशहूर है जी। लेकिन ये इनका धन्यवाद दो बार, तुमको आज ये वीडियो कर रहे हैं, नाइस। नहीं, इनका दो बार धन्यवाद। हाँ जी। और उसके बाद में ये है अवधेश कुमार जी, कहते गरेवाल जी फीड में क्या देते हैं और कौन सा सीमेंट यूज करने की सलाह दोगे? देखो, गरेवाल के घर की गाय तो है नहीं, गरेवाल तो गांव-गांव से गाय लेके आता है, लेकिन फीड जैसी गाय ऐसी फीड, ये भी बात है। जैसे 4 लीटर दूध वाली को 3,000 वाली फीड पाओगे, क्या करेगी? अच्छा, तो ये विपिन सिंह है, ये भी नाइस कहते हैं जी। रेखा राम है जी, ये कहते हैं HF यदि लुक नहीं रही है, बार बार रिपीट हो रही है, तो उसका क्या करें? 2 साल हो गए हैं, सबको इलाज बता दो। देखो रेखा राम जी, बात यह है अभी गाय नहीं रिपीट होती, गाय को खाना दाना नहीं सही देते आप, उनको एग्रीमेंट फूड कौन सा डालते हो, कौन सा हरा चारा डालते हो, कौन सी फीड डालते हो, ये सब चीज़ का ध्यान रखो, गाय कभी रिपीट नहीं होती किसी की भी। तो ये लाइन तो बहुत लंबी है, फिर अगले में उनको यूज करेंगे जी। तो अगली वीडियो में सबका धन्यवाद जी। तो अगली में जो आज कमेंट करने किया और जो कर भी रहे हैं, गाय के बोले में बोलो क्या कहते हैं इनके लिए? ये दूसरे बेहतर है जी, वो पहले बेहतर है, दूसरे बेहतर है। अच्छा, तो वो जो बुढ़ी लग रही है? हाँ, बुढ़ी लग रही है, उसकी क्वालिटी ऐसी है जिस दिन बच्चा देगी उस दिन जवान लगना। वो तो ऐसा तो जैसे 60वें 80वें ब्याह में, हाँ, और बच्चा देने के इतना दर्द मान ली है गाय, बात छोड़ दो, जिस दिन बच्चा देगी फिर सही होगी। तुमको तो पहली ब्याह में 6 दांत है, देख लो, दिखा देता हूँ, ले आओ रे। कितना दूध देगी वो? देगी 20-22 लीटर दूध। और इसका? ये तो गाय 25 लीटर दूध देगी, लेकिन मैं तो 20 ही बोलना। ये कब आने वाली है? इसके 12-13 रोज बाकी है। अच्छा, देखिए। तो ये तंदुरुस्त है? ये तंदुरुस्त तो वो भी है, वो बच्चा देने का दर्द मान रही है, बस बात ये है। जिस दिन बच्चा दे दिया उसे नहीं, ये अलग अलग होता है जी, उसका अपना अपना कल्चर है, कल्चर है, अलग अलग गाय के भी स्वभाव है, स्वभाव है, ठीक है ना। शरीर कई दर्द मानता है, कई गाय बच्चा देने के बाद तो इसको राहत देने के लिए क्या करते हो? राहत तो अभी इसको मैट पे रखी हुई है और आज गाड़ी लोड होकर चले जानी है, वहाँ जाके बच्चा देगी, बच्चा ये भी वहाँ जाके देगी। छे जहाँ था देख लो। अच्छा, ठीक है, गलत काम नहीं किया जी, तो आज लोड कर दोगे? आज लोड करेंगे। कितना किराया वहाँ का? 1 लाख। 1 लाख? 1 लाख। कहाँ पे जानी है? ये जानी है जी रांची। रांची में? रांची, खास रांची में? खास रांची में। तभी 1 लाख? 1 लाख, मतलब रांची का किराया में 1 लाख माने? 1 लाख माने। देखो, एक कई आदमी बोलते हैं
जस्सी भाई आपने इतना पैसा बोला था, अब इतना इसका किराया भी लगना, ये साथ में आदमी जा रहा है, इसने भी 10,000 रुपया लेना, इसका इंश्योरेंस भी करवाया है, इसका डॉक्टर का परमिट भी बनवाया है और इसका एफिडेविट भी बनाया। मैं किसी को कोई गाय ऐसे नहीं बेचता, सब डॉक्यूमेंट पूरे करके फिर गाड़ी लोड कर। तो ये कितने दाम की हैं दोनों? ये तो अलग अलग लिए। कितने की होंगी जो? ये लिया 58,000 की बछड़ी। और वो दूसरी? ये लिया 52,000 की। 52,000। हाँ जी। तो हमारी शुभकामनाएं हैं खरीदारों के लिए छत्तीसगढ़ में जिन्होंने ये गाय खरीदी हैं, शुभकामनाएं हैं कि जस्सी भाई के लिए कि ऐसे इनका नाम चलता रहे, लोग इनकी तारीफ़ करें, हमको भी बड़ा अच्छा लगता है। हम ये कामना करते हैं कि आप लोग इस महामारी से बचे रहें और खुशहाल रहें और उभर करके चलें। धन्यवाद। जय हिंद।